कोरोना से गैर संजीदगी मौत को दावत। मुल्क भर में मजीद 137 मरीज जाँ बहक हो गए। पेशावर में डॉक्टर खैर मोहम्मद चल बसे। 24 घंटे में 5445 अफराद में वायरस की तस्दीक। DPO कसूर इमरान किश्वर भी मुतासिर, करंटीना में चले गए। मुल्क भर में मजीद 3 बच्चे कोरोना से जाँ बहक हो गए। पिम्स असेंबली में 24 घंटे के दौरान 88 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 7 बच्चे जेर इलाज। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से अब तक 20 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी पर करारदाद आज पेश की जाएगी। कौमी असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क भर से धरने खत्म किए जाएंगे। कारकुनों पर मुकदमा खारिज और 4th शेड्यूल से नाम निकालने का फैसला। शेख रशीद ने मुंदरजात पढ़कर सुनाए। नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मुसलमानों की दिल आजारी को आजादी का नाम देना जुल्म है। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक-ए-लब्बैक को हमारी बात समझ आ गई है। उन्होंने फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुतालबा किया था। चीनी खरीदारों की कतारें खत्म की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 85 रुपए चीनी क्यों नहीं मिल रही, कतारें क्यों लगवाई जा रही हैं। 15 रुपए के लिए आवाम को भिखारी बना दिया गया है। अदालत का इजहार बरहमी। कल तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। महंगी चीनी केस में 5 मुल्जमान की जमानत मंजूर। कराची की अदालत में समाअत। FIA ने अबूरी चालान पेश कर दिया। मुल्जमान ने 27 शुगर मिल्स में जखीरा अंदोजी की, जिसके बायस चीनी की कीमत बढ़ी। अकाउंट्स की तहकीकात भी जारी हैं। चालान का मतन। गैर कानूनी भर्ती केस में FIA की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालती हुक्म मानना है या सदारती ऑर्डर। अदालती हुक्म के खिलाफ तमाम लोग भर्ती कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने DG वाजिदिया की सरजनिश कर दी। कहा फैसला दोबारा देखें, फिर अमल दरामद रिपोर्ट दें। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में हादसा। कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाहौर सलामतपुरा में तेल के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन के मेजबान इमरान अब्बास का एजाज। अदाकार और मेजबान तुर्की के सफीर बराए खैर सगाली मुकर्रर। इमरान अब्बास ने इंस्टाग्राम पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्की से आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। इमरान अब्बास, फरहान अली वारिस और रीमा की खूबसूरत गुफ्तगू। सिदरा इकबाल की मेजबानी में उलमाए कराम ने रमजान की फजीलत और रोजे की अहमियत पर रोशनी डाली।